कभी अमरवाड़ा आए तो इस मंदिर पर जरूर आना। वीडियो बना लिया, बहुत ही सुंदर मंदिर है। क्या नाम से स्नान कराया गया अभी और अभी उनका श्रृंगार चालू है। हर हर भोले, हर हर महादेव। गरबा कर रहे हैं आप, करो ऐसा। गाइस आप लोग एक बार यहाँ आ गए थे, यहाँ से जाने का आपका मन ही नहीं करेगा, बहुत ज्यादा सुकून है यहाँ पर। ये सावन का पर्व है। बचपन में हम खेला करते थे ये रेलगाड़ी जाना दो, टीवी सीरियल में ले लो गाइस बहुत। तो गाइस मेरा दिमाग कैसा दतूरा। हाय दोस्तों, जय जोहार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी, आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ गाइस। और आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को घुमाने ले जाने वाले हैं अमरवाड़ा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं दोनों पैदल पैदल। आज संडे है, हमने सोचा कि संडे के दिन आप लोगों को कुछ अच्छा सा दिखा दिया जाए। तो हम अमरवाड़ा का सबसे प्रचलित मंदिर दिखाने के लिए आपको लेकर जा रहे हैं। तो वो मंदिर यहाँ से बहुत दूर है गाइस, यहाँ पर जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पर वो मंदिर है। तो हम आप लोगों को वहीं पर मंदिर पर ले जाने वाले हैं। अभी हम आ चुके हैं मेन रोड में और ये रही मेन रोड। यहाँ पर देखिए इधर तक दिख रहा होगा पूरा सून सपाट। तो अभी ये झाड़ियाँ हैं, इनकी वजह से वो नहीं दिख पा रहा वो पहाड़। तो इन झाड़ियों की उधर साइड है वो पहाड़, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं आप लोगों को एक सुंदर सा मंदिर दिखाने के लिए। मैं डर गई, मुझे इनसे बहुत नफरत है गाइस। जब मैं बस में बैठती थी इनसे बहुत ज़्यादा नफरत है, ये जो है ना इनसे। अरे मेरे उल्टी जान जी बोल रहा था मैं चक्कर आ गया। तो वीडियो में प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करके जा रही हूँ, उतना दूर मतलब हम दोनों जा रहे हैं, तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक करना तो बनता ही है गाइस। ये लोग हमें कुछ बोल रहे थे गाइस, ये देखो कितनी गंदगी वाली गाड़ी सड़ी सी। यहाँ पर देख सकते हो आगे मंदिर दिख रहा है प्यारा सा और बहुत सारे लोग हैं गाइस। तो चलिए दिखा दो। तो वहाँ पर सारी दीदी लोग निकाल रहे फोटो और कुछ दो भैया लोग जा रहे थे, बोल रहे थे गाइस हम गरमीटा मंदिर आए घूमने के लिए, आए तो आए हैं गरमीटा मंदिर घूमने के लिए। इधर से बैठने का बहुत ही सुंदर बना, लेकिन इधर नहीं जा सकते क्योंकि इधर भैया लोग हैं सारे। और ये रहा गरमीटा मंदिर के पीछे का बैकग्राउंड जो कि बहुत ही सुंदर है। और इधर साइड भी दीदी लोग जो हैं फ़ोटो निकालने में व्यस्त हैं। और हम थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करेंगे क्योंकि हम बहुत दूर से चलते हुए आए हैं ना, तो थक गए गाइस।
तो चलिए गाइस आप लोगों को कराते हैं मंदिर का दर्शन, लेकिन उससे पहले ये नोट्स पढ़ लीजिए, इसको फॉलो करना जरूरी है, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, अभी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। अभी हम यहाँ चप्पल उतार कर जा रहे हैं, पिछली बार हमारी चप्पल गुम गई थी, इस बार तो हम गुम नहीं ले रहे। क्या नाम से सेव करना है वहाँ पर वो सब यहाँ पर बच्चे लोग भोले बाबा को स्नान करा रहे हैं। और अंदर देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर। अभी यहाँ पर सफाई चालू है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा। यहाँ पर माता रानी का मंदिर, यहाँ पर भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है, उनको स्नान कराया गया अभी और अभी उनका श्रृंगार चालू है। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर सा मंदिर है। और इधर जो दीदी लोग हैं वो गरबा कर रहे हैं। और आप कभी अमरवाड़ा आए तो इस मंदिर पर जरूर आना, वीडियो बना लिया, बहुत ही सुंदर मंदिर है गाइस। और इधर जो दीदी हैं वो गरबा कर रही हैं, आप देख, इतना प्यारा सुंदर सा लग रहा है गाइस मंदिर, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो अभी हम इधर जा रहे हैं, इधर आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर जो पूरी यहाँ पर ये दीवार बनी गाइस, यहाँ पर पूरी पैक, तो यहाँ पर पूरे में त्रिशूल लगे हुए हैं, ये देख सकते हो बहुत बड़े बड़े से। और अगर गाइस आप लोग एक बार यहाँ आ गए तो यहाँ से जाने का आपका मन ही नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, इसलिए बहुत सुकून मिलता है। भोले बाबा का जो मंदिर है बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर देखो, ये देख, हमारे गांव की महिलाएँ रहती तो वो थे ऐसा करने में इतनी ज़्यादा शर्माती, इतनी ज़्यादा शर्माती। और यहाँ शहर की देखो कितने प्यार से रहती हूँ सारी की सारी। ये देखो क्यूट सी बेबी, हाय करो, हाय करो, हाय ऐसा, हाय, कितनी प्यारी बच्ची गाइस, बहुत ही सुंदर। अब देखो इधर, यहाँ पर ये सावन का पर्व है शायद गाइस, इसीलिए इतनी ज़्यादा महिलाएं खुश है, हैप्पी है। और ये बच्चे देखो कितनी क्यूट लग रही ना ये हो क्या हो गया, अब जाओ, हो गया ये क्यूटी तो हमसे फोटो ही निकलाने लगी गाइस। आपका नाम क्या है? सीता टिक्का। क्या? सीता टिक्का, मुझे नहीं पता गाइस, समझ नहीं आया बट बहुत सुंदर है। क्या नाम है? इसीता। इसीता, अच्छा। अरे खेल रहे हैं गाइस, बचपन में हम खेला करते थे ये रेलगाड़ी जाना दो, फूल टूट जाएगा, हीरा मोती जोड़ेंगे, नाम कौन देगा, पीछे वाला डब्बा उसका नाम क्या है, यही वाला खेल खेलते थे। ये देखो सारी बहनें खेल रही, कितनी मस्त लग रही है आज आके, अच्छा हुआ कि हम आज आ गए गाइस यहाँ पर। हाँ इसको टीवी सीरियल में ले लो गाइस, बहुत क्यूट है। भोले बाबा घंटी भी बज गई, हर हर भोले, हर हर महादेव, हर हर शिव शंभु। हम अभी इधर से आए थे, अब आप लोगों को मंदिर के पीछे का रास्ता दिखाते हैं। मंदिर ये रहा, इसके पीछे एक और रास्ता है नीचे जाने का, जो हम आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम जाने लगे हैं और सारे लोग भी जाने लगे हैं, जो चीज़ जिसको रुकना होगा वो रुक रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये दीदी लोग अभी फोटो खींच रही हैं, और यहाँ पर अभी काम भी चल रहा है आगे, यहाँ पर हवन कुंड बन रहा है और पीछे अभी मंदिर भी है, यहाँ पर माता रानी का मंदिर है। और इधर बहुत ही प्यारे प्यारे झूले हैं, बैठने का स्थान है बहुत। ए झूले झूलते हैं ऐसा, ये
तो गाइस मेरा झूला कैसा लगा कमेंट करके बताइए। गाइस अगर मैं वहाँ धोखे से गिर जाती ना, मेरी जो पत्ती से दिख रही पूरी निकल जाती। चलिए आप लोगों को सुंदर बहुत ही प्यारा सा नज़ारा दिखाते हैं इधर का। दिख रहा है नहीं गाइस, पतालकोट जैसा दिख रहा ना, बहुत ही सुंदर है ना इधर ये गरमेटा पहाड़, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। पता अमरवाड़ा में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सबसे ज़्यादा हमें गरमेटा मंदिर पसंद है। भले ही ये दूर है लेकिन हम यहाँ पर आ जाते हैं पैदल भी। और आज पता नहीं क्यों लेकिन हमको भोले बाबा का दर्शन करने का मन कर रहा था, तो हमने पहले से प्लानिंग बना के रखे थे कि हम संडे को जाएंगे, क्योंकि बाकी दिन तो हमारा क्लास रहता है, इसलिए हमने संडे का दिन चुना। और आज वो फाइनली हो गया, हम बहुत खुश हैं। आप लोगों से एक ही क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देना। मुझे पता है ये क्या है लेकिन इसका मुझे अभी फ़िलहाल में नाम याद नहीं आ रहा, तो आप बताइए ये क्या है। ये भोले बाबा को चढ़ाते हैं ना, ये धतूरा गाइस, धतूरा। अब जाके याद आया, आप लोगों को कमेंट में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। भोले बाबा ने बोले होंगे कि ये कंफ्यूज होके ना जाए, इसलिए आप दिला दिया है ना। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे भोले बाबा का मंदिर तो पसंद आया ही होगा, इसको ना पसंद करने वाला कोई है ही नहीं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे लिए ना सही, भोले बाबा के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो खासकर भोले बाबा के दर्शन का था, तो इस वीडियो को भोले बाबा के दर्शन के साथ ही हम समाप्त करना चाहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिल लेंगे आप सभी को एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, जय जोहार। टाटा बाय बाय, जय जोहार। हर हर महादेव, हर हर महादेव।